हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से। बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब लेके आइए। तो यहाँ पे फ्रेशर एलिजिबल है और एक्सपीरियंस, दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए पोजीशन अलग अलग देखने को मिल जाती है। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ इसी बात पे, वीडियो को लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की पोजीशन देखने को मिलती है। ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिल जाता है, साइट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाता है। और भी अदर पोजीशन है जैसे कि सुपरवाइजर है, ऐसी पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगी जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब आपका रहेगा, सैलरी आपको बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का आप एलिजिबल हैं। अगर आपने BBTech कर रखा है यहाँ पे 4 साल का आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने MEMTech कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। वीडियो के जो लाइक का टारगेट यहाँ पे रख रहे हैं 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि एग्जैक्टली आपने कर क्या रखा है और क्या कर रहे हैं और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में भी बता देना, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। साथ ही साथ मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है जो आप अभी ये देख रहे हो। उसके साथ साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी है तो आप वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं सारी प्रीमियम टाइप की जॉब अपडेट देता रहता हूँ जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सीट आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहाँ पे चलते हैं वन बाय वन, हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करते हैं। पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिल जाता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर आपको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करवाया जाएगा। और वहीं अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, कंपनी को अच्छा लगता है आपका काम, तो आपको यहाँ पे ऑफर लेटर भी मिल सकता है जिसमें आपका परमानेंट जॉब भी आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपका सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे आपने डिप्लोमा कर रखा है आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पास आउट यहाँ पे 2021 का है, 22 का है या फिर 2023 में आप पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है। ब्रांचेस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल के अंदर या फिर मैकेनिकल से रिलेवेंट जैसे कि प्रोडक्शन रह गया, मैकेट्रॉनिक्स रह गया, आप इसको डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा यहाँ पे की स्किल दे रखा है, टीम वर्क होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीज़ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे अप्लाई का बटन है नीचे, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, सबसे पहले हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाती है ये निकाला गया यहाँ पे ऑपरेटर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। ऑपरेटर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, अगर आपने ITI किया, डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। वर्टिकल मिलिंग मशीन के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने मैकेनिकल ब्रांच के अंदर, टूल एंड डाई मेकिंग के अंदर, या फिर अगर आपने ITI कर रखा है फिटर के अंदर, डीजल मैकेनिक
क्लिनिक के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस और फ्रेशर की वैकेंसी कंबाइंड है, दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वैकेंसी देखने को मिलेगा सुपरवाइजर का, जो कि क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आपने IT कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे BBTech कर रखा है, किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर देना। अभी तक जॉब एक्सपायर नहीं हुई है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, वो निकाला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजमेंट का वैकेंसी यहाँ पे रहेगा, ये आपका डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अबाउट अस के बारे में अच्छा सा पूरा कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने BBTech कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच में, प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 2 साल का। जैसे कि आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है और 1 साल का आपने किसी MNC कंपनी में काम कर रखा है, डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा बहुत, ये सारी चीज़ें आप अपनी की स्किल में मेंशन कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई का बटन मिल जाता है, इस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे और आप इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इंजीनियर का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा यहाँ पे पूरा का पूरा बता रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आपने BBTech कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, वो आपका रहता है यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने BBTech कर रखा है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, या फिर इंडस्ट्रियल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैड कैम का आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर रहेगा और आपका असिस्टेंट इंजीनियर जैसी पोजीशन देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, BBTech कर रखा है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में, मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, या फिर आपने कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो आपका रहेगा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया है, BBTech किया है मैकेनिकल में, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी रखा है। अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। लास्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, टूल डिज़ाइन के अंदर वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है, BBTech की है मैकेनिकल में, प्रोडक्शन के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, जो कि आपका रहेगा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अप्लाई वाले बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा है, तो डायरेक्टली आप अपना ID पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं, साइड में ऑप्शन दे रखा है फॉरगेट योर पासवर्ड का, इस पर क्लिक करके आपकी मेल आईडी डालनी है और आपकी मेल आईडी पे आपको पासवर्ड मिलेंगे। वापस से इधर आके लॉगिन कर लेना। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट का, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट क्रिएट करने का। सिंपली आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है, अपना ईमेल डालना है, रीटाइप करना है, पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इनके कैरियर वाले पेज पे, वहाँ पे वो सारी जॉब दिख जाएगी जिसको अभी हमने डिस्कस किया था। तो आप उन सारी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही जॉब प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।